हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। डिफरेंट प्रोसेस से हम गुजरे, कैसे जो है ओबा रिलीज हुआ, कैसे स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन हुई, कैसे फर्टिलाइजेशन हुई, कैसे फिर जो है एम्प्लांटेशन हुआ, फिर डिफरेंट हार्मोन जो कि गेस्टेशन पीरियड में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें कुछ फिजिकल साइन रहते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट रहते हैं जो कि ये डिटेक्ट करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो आप मान सकते हैं कि कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का पीरियड होता है। प्रेगनेंसी वो स्टेट होती है जिसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है मदर के अंदर जो है वो इनसाइड जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और उसी में उसकी डेवलपमेंटल जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट साइन जो प्रेगनेंसी का होता है, फर्स्ट साइन दैट इज मिस्ड पीरियड। हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर महीने जो है वो होती है, अगर वो मिस हो जाती है किसी पर्टिकुलर मंथ में तो दैट इज वन ऑफ द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, बट नॉट ऑलवेज दिस द केस। प्रेगनेंसी डिटेक्शन कैन बी जो है हम कंफर्म कर सकते हैं बाय वेरियस प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, जिसमें हार्मोन जो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा के बनते ही जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो एक बायोमार्कर होता है प्रेगनेंसी का। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन। जो ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू यूरिन टेस्ट, क्योंकि वो जो है फॉल्स जो आप कह सकते हैं जो एरर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें क्वांटिटेटिव टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ एम्ब्रियो वाज कंसीव्ड, क्योंकि जो HCG हार्मोन है उनकी जो क्वांटिटी होती है वो डबल हो जाती है एवरी 36 और 48 आवर्स के बाद। तो उस उनके क्वांटिटी को चेक करके हम बता सकते हैं कि कंसीव जो है वो कब हुआ होगा, ठीक है। दूसरा सिंगल टेस्ट जो प्रोजेस्टेरोन लेवल का भी किया जाता है, जो कि ये भी बताता है कि फीटस की सर्वाइवल जो है वो कैसी रहेगी, उसके मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो कितने होंगे, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम रहता है तो मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जाते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एंड्रोमेट्रियम को जो है वो इंटैक्ट रखता है, ठीक है। तो जो मिसकैरेज के चांसेस ये हैं, जो ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसीज के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो हाई होगा। इसके अलावा कुछ होम प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं जिसमें यूरिन टेस्ट होता है, जो जनरली 12 टू 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो डिटेक्ट कर देता है, कंफर्म कर देता है प्रेगनेंसी को, जिसमें वो भी क्या होता है HCG को ही चेक करता है, हार्मोन और एक प्रेगनेंसी इंडिकेटर है ये, ठीक है। यूरिन जिसको पी भी बोलते हैं, टेस्टेड फॉर प्रोटीन शुगर एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर देखिए इस तरह की प्रेगनेंसी किट होती है जिसके अंदर जो है टेस्ट किया जाता है, अगर नॉन प्रेग्नेंट हो तो सिंगल लाइन जो है वो दिखाई देती है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो सेकेंड लाइन जो है वो भी देखने को मिलती है, दैट इज फॉर HCG हार्मोन। सिम्टम जो बेसिक से सिम्टम्स रहते हैं इनिशियल पीरियड के दौरान, उसमें फर्स्ट मैंने बताया मिस्ड पीरियड होते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है एक वीक या उससे ज़्यादा जो है जो एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल डेट होती है वो स्किप हो जाती है और मेंसेस जो है वो नहीं हो पाते, तो इट मीन माइट बी प्रेग्नेंट। जो ब्रेस्ट हैं वो टेंडर हो जाती हैं,
स्वोलन हो जाती हैं, थोड़ी टाइट हो जाती है, टाइटनेस आ जाती है उनके अंदर, नोजिया हो सकता है कि वॉमिटिंग या विदाउट वॉमिटिंग जो है नोजिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यूरिनेशन जो है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, फटीग जो है, अब जब हमने लास्ट में पढ़ा था गेस्टेशन पीरियड में हार्मोन, उसमें हमने बताया भी था कि ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रोजेस्टिरोन हार्मोन यूरिनेशन को भी, क्योंकि जब ब्लड में प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो वो पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा चला जाता है किडनी, जिसके कारण वो किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करती है, तो यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाता है, फटीग थकान महसूस होने लग जाती है, मूडीनेस मूड जो है वो स्विंग होता है, ठीक है, और ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है कि कुछ जो है अनयूजुअली इमोशनल हो जाते हैं, कुछ रोने लग जाते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट मूड्स जो हैं वो स्विंग होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग जो क्या होता है कि एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो है आपको कुछ फ्लोट सा, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे बाहर को निकला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर गैस हो सकती है, फूड इनटेक हो सकता है, तो वो भी हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके कारण अर्ली प्रेगनेंसीज में जो फीलिंग ऑफ लेटेडनेस नज़र आती है, स्वेलिंग या फुलनेस ऑफ एब्डोमन रीजन में देखने को मिलता है, फीलिंग करने को मिलता है। लाइट स्पॉटिंग प्रेगनेंसी के शुरू के अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान जो है कई बार फर्स्ट साइन जो है वो थोड़ी सी लाइट सी स्पॉट जो है वो देखने को मिलती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, वो तब होती है जब इम्प्लांटेशन का जब फर्टिलाइजर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है, तो जब इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर शुरू होता है उस समय जो है ये लाइट स्पॉटिंग जो है वो देखने को मिलती है 10 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन जो है ये, अब क्योंकि हमें पता है इम्प्लांटेशन जो है वो 3 to 7 days, 2 2 week से 7 week के बीच में जो है वो देखने को मिलता है, 7 week 7 days, 7 10 days, 7th day जो है इम्प्लांटेशन जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है, और 10th day तक ये जो है कम्प्लीटली इम्प्लांटेड हो जाता है, तो उस दौरान जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं कि जब वो इम्प्लांट होता है तो कुछ ब्लीडिंग जो है वो यूरिन में पास हो जाती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। क्रैम्पिंग होना, माइल्ड यूटराइन क्रैम जो है, कंट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलती है, पेट में दर्द होना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। फूड एवर्जन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कुछ फूड के टेस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, कुछ स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट लगती हैं, कुछ प्लेजेंट लगती हैं, तो ये चाहे वो ऑर्डर है चाहे वो सेंस ऑफ टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ये फूड प्रेफरेंस जो है वो हार्मोनल चेंज के कारण ही होता है। नेजल कंजेशन भी देखने को मिलता है कि हार्मोनल लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है ब्लड प्रोडक्शन, जिसके कारण जो है म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज जो है वो स्वेल कर जाती है, कई बार ये ड्राई आउट हो जाती है और कई बार ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंट साइंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, ये तो कुछ इनिशियल प्रेगनेंसी में जो है ये देखने को मिलते पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है जिसको गेस्टेशनल एज बोल देते हैं, हमें पता है गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जो कि कंसेप्शन से बर्थ तक का होता है, और इस दौरान जो है बेबी ग्रो करता है और वो मदर्स वॉम के अंदर जो है वो डेवलप होता है, तो गेस्टेशन एज जो है कॉमन टर्म यूज की जाती है प्रेगनेंसी में कि हाउ फार अलोंग द प्रेगनेंसी इज, की प्रेगनेंसी जो है वो कितनी हो चुकी है, कहाँ से शुरू हुई है और उसकी एक्सपेक्टेड जो है वो डेट क्या होगी ऑफ डिलीवरी, ठीक है, तो ये जो गेस्टेशनल एज होती है इसको वीक्स में मेजर किया जाता है, और इसका जो मेंस्ट्रुअल लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसका फर्स्ट डे जो होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और करंट डेट तक बता देते हैं कि इतने मंथ जो है या इतने वीक जो है हो गए हैं बेबी, और उसके बाद इतने वीक जो है और लगेंगे फॉर डिलीवरी,
ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 38 to 42 वीक्स की हो सकती है। जो भी यंग बेबी बोर्न होता है बिफोर 37 वीक से पहले अगर कोई इन्फेंट बोर्न हो जाता है तो उसको प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं, और अगर 42 वीक्स के बाद जो होता है तो उसको हम पोस्ट मेच्योर डिलीवरी जो है वो बोलते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेशियन या गाइनोकोलॉजिस्ट है, सोसाइटी ऑफ मैटरनल फिटल मेडिसिन है, उन्होंने इस प्रेगनेंसी की टर्म्स को जो है 4 डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। अर्ली टर्म जिसमें बेबी जो है 37 वीक का हो सकता है, या 38 to 6 डेज, यानी कि 37 वीक + 0 डे और 38 वीक और 6 डेज का अगर होता है तो अर्ली टर्म होती हैं। अगर वो एग्जैक्टली 39 वीक्स का है या 40 वीक्स का है, 6 डेज का है, तो वो फुल टर्म बेबी कहलाता है, जो कि एक नॉर्मल है। लेट टर्म में अगर वो 41 वीक्स जो है वो कवर कर लेता है, या 41 वीक 6 डेज कवर कर लेता है, तो लेट टर्म कहलाती है। और पोस्ट टर्म जब 42 वीक जो है वो के बाद अगर बेबी होता है तो उसको हम पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। तो एक फीटल डेवलपमेंट जो है इस तरह से जो है वो होता है। प्रेगनेंसी को 3 स्टेजेस के अंदर डाला जाता है, उनको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर जो है वो अबाउट 12 to 14 वीक का हो सकता है, अबाउट 3 मंथ, वाइल जब फुल टर्म जो प्रेगनेंसी रहती है वो 40 वीक्स की है। उसको फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करते हैं। ईच ट्राइमेस्टर में कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 0 से 13 वीक का होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसेप्शन होता है जिसमें स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। फिर फर्टिलाइज एग जो है फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है और वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल में जो है वो पहुंच जाता है, वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाती है और फिर एम्ब्रियो और प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। इस पीरियड में बेबी का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है, ऑर्गन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम जो हमने अभी देखे कुछ सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग होना, स्किपिंग ऑफ तो या इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग होना, ये सिम्टम जो है वो इनिशियली इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। और यही फर्स्ट सेमेस्टर है जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज जो होती है, जिसको नेचुरल डेथ ऑफ एम्ब्रियो फीटस बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम हो जाता है तो मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी वीक मंथ और ट्राइमेस्टर, पहले 3 मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें 13 वीक्स का टाइम लगता है। फिर ट्राइमेस्टर सेकंड जो है उसमें 3 मंथ है नेक्स्ट, और वो जो है नेक्स्ट 13 to 14 मंथ जो है वो लगते हैं इस तरह से। तो इस तरह से 3 ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो डिवाइड। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 14 to 26 वीक का होता है, जिसको हनीमून पीरियड्स बोलते हैं। इसको हनीमून पीरियड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी अनप्लेजेंट से सिम्टम होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसीज में देखने को मिलते हैं, वो सब जो है वो सबसाइड्स हो जाते हैं। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एनर्जीफुल फील करती है, उसकी जो स्लीपिंग बेटर हो जाती है इस समय। लेकिन कुछ के अंदर जो है बैक या एब्डोमिनल पेन, लेग क्रैम्प्स या कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन मैक्सिमम ऑन जो है वो सभी सिम्टम जो है सबसाइड हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। थर्ड ट्राइमेस्टर इसमें जो है अल्ट्रासाउंड जो है प्रेफर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा टू चेक द वेलबींग ऑफ द फिटस। इसमें जेंडर जो है इस दौरान, इस ट्राइमेस्टर में जेंडर जो है वो डिसाइडेड हो जाता है, और डॉक्टर जो है 18th से 20th वीक में एक अल्ट्रासाउंड बताते हैं टू चेक द वेलबींग ऑफ बेबी। ठीक है,
और जब भी इसी के दौरान, इसी ट्राइमेस्टर के अंदर जो है बेबी की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, जो फर्स्ट बेबी मूवमेंट होती है जिसको क्विकनिंग बोलते हैं, वो भी इसी ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलती है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट 3 मंथ होते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एंग्शियस पीरियड रहता है क्योंकि बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तो चिंता भी होती है और खुशी भी होती है, तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जो हैं, क्योंकि वॉर्म जो है उसका साइज, फीटस का साइज बढ़ जाता है, तो उसमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, जो हीमोरॉइड्स हैं, यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी है, वेरिकोज वेन जैसी प्रॉब्लम या स्लीपिंग प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं, क्योंकि बेबी ग्रो कर जाता है, उसका वेट गेन हो जाता है, जो कि 2 औंस से बिफोर प्रेगनेंसी इतना होता है, वो 2.5 पाउंड्स तक जो है वो पहुंच जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये एक प्रेगनेंसी टाइमलाइन जो है जिसमें आप देखेंगे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्स्ट डे काउंट किया जाता है, उसके बाद जो है ये पूरा जो है 14 वीक्स का जो है वो टाइम है जिसमें फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद फीटल डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो ये, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो अगर बेबी का बर्थ कहीं सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो जो सर्वाइवल चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद जो है एवरेज जो है फुल टर्म जो बेबी होता है वो 14th वीक के अंदर जो है वो होता है, उससे पहले अर्ली टर्म या प्री टर्म जो है वो बेबी होते हैं या डिलीवरी होती है, लेट टर्म या पोस्ट मैच्योर डिलीवरी जो है वो कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गई, ड्यू डेट एस्टिमेशन, ये निगेलीज रूल्स होता है, निगेलीज रूल जिसमें एक स्टैंडर्ड वे होता है कैलकुलेट करने का ड्यू डेट को, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें ये माना जाता है कि वही चाइल्ड बर्थ में जो गेस्टेशनल एज होती है वो 28 डेज की होती है, और ये रूल कहता है कि जो डे ओरिजन है गेस्टेशनल एज का, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से आप 1 ईयर को ऐड करो और उसमें 3 मंथ जो है वो माइनस करो, प्लस में 7 डेज जो है वो ऐड कर दो। यानी कि देखिए वही है कि हम डायरेक्ट जो है इस व्हील चार्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि सीधा 40 वीक की जो डिलीवरी है वहां पर हम एक्सपेक्टेड डेट मान लेते हैं। इन्होंने क्या है, जब व्हील नहीं थे उस समय इन्होंने जो कैलकुलेशन लगाई वो सीधा लगाया कि आप जो है 1 ईयर को ऐड करो और उसमें से 3 मंथ को माइनस कर दो, फिर प्लस 7 डेज जो है वो ऐड कर दो, क्योंकि समथिंग 1 7 प्लस और माइनस जो है वो हो सकता है, अर्लियर भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। तो ये फिजिकल साइन देखे जिससे, जो कि लेट प्रेगनेंसीज के अंदर देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे साइन थे जो अर्ली प्रेगनेंसीज के अंदर देखने को मिले जो कि कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी को कि प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर ये जो साइन होते हैं ये बताते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एंड होने वाली है, और ये साइन जितने भी साइन होते हैं ये आफ्टर डिलीवरी जो है अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। थैंक यू।